दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों प्यार का नाम सुनते ही या शादी का नाम सुनते ही मन में कई तरह के सपने और समस्याएं उभरनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि प्यार और शादी को लेकर हर किसी के अपने अपने अनुभव और विचार होते हैं और लोग अपनी पसंद के अनुसार ही अपने प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी का चुनाव भी करते हैं, किंतु कई कारणों के चलते उनका प्यार या वैवाहिक रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाता, क्योंकि जब दोनों की सोच विचार अलग अलग होते हैं, उनके स्वभाव भी अलग अलग होते हैं, उनकी पसंद नापसंद अलग अलग होती है, यहाँ तक कि दोनों की राशियाँ भी एक दूसरे की शत्रु राशियाँ होती हैं, तो ऐसे बने रिश्ते ना तो ज़्यादा दिनों तक टिके रह पाते हैं, ना ही दोनों अपनी लाइफ में कभी खुशी रह पाते हैं, क्योंकि जब दोनों का मेल ही गलत होता है तो ऐसी सिचुएशन में समस्याएं आनी तो स्वाभाविक हो जाती हैं। इसलिए यदि आप भी चाहते हैं कि आपको अपनी पसंद का पार्टनर मिल सके, जो आपके साथ हंसी खुशी से वफादारी से पूरा जीवन व्यतीत कर सके, तो आपको इस आर्टिकल में बताई गई राशियों के आधार पर ही अपनी पसंद की किसी भी लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। चलो बताते हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, दोस्तों कुंभ राशि के लोग स्नेही शालीन सभ्य और काफ़ी मधुर होते हैं। इसके अलावा ये सकारात्मक सोच वाले महत्वाकांक्षी गंभीर और काफ़ी संवेदनशील भी होते हैं, किंतु प्रेम इनके लिए किसी तपस्या से कम नहीं होता, क्योंकि इन्हें सच्चे प्यार की चाहत हमेशा रहती है और जब इन्हें इनका सच्चा प्यार मिल जाता है तो इनके साथ ये पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। इसीलिए कुंभ राशि के लड़कों को वृष सिंह और धनु राशि की किसी भी पसंद आई लड़की से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इन राशियों की लड़कियां इनके लिए परफेक्ट पार्टनर साबित होती हैं। इनके साथ ये पूरा अपना जीवन हंसी खुशी से व्यतीत कर सकते हैं। 2, दोस्तों यदि कुंभ राशि के लड़के किसी मेष वृश्चिक और कुंभ राशि की किसी भी पसंद आई लड़की से शादी कर लेते हैं तो इनके साथ इनका जीवन सामान्य रूप से व्यतीत होता है, किंतु कभी कभी इनके बीच लड़ाई झगड़े और नोकझोंक जैसी स्थितियां पैदा होती रहती हैं। 3, दोस्तों यदि कुंभ राशि के लड़के इन राशियों के अलावा किसी अन्य राशि की पसंद आई किसी भी लड़की से शादी कर लेते हैं तो इनका पूरा जीवन ही नरक बन जाता है, यानी कि ये दोनों एक छत के नीचे रहते हुए भी हमेशा एक दूसरे के दुश्मन बने रहते हैं।